If you love water waves, cold breeze, and not so crowded beaches, this place in Maharashtra is for you. Welcome to Palghar. मुंबई से जब भी कोई एक वीकेंड प्लान बनाता है दे यूजुअली थिंक ऑफ लोनावला, खंडाला, माथेरान, महाबलेश्वर और द यूजुअल्स। बट वन प्लेस नॉट टू मेनी पीपल थिंक ऑफ इज पालघर, जो मुंबई से सिर्फ 2.5 घंटे दूर है। सो पालघर इज अ स्मॉल टाउन ऑफ द कोंकण डिविजन इन महाराष्ट्र, विच इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन बीचेस एंड ब्यूटिफुल टेम्पल्स। तो आज मैं जा रही हूँ टू एक्सप्लोर पालघर, पर सिर्फ वही नहीं, रास्ते में कई जगहें देखूंगी। आखिर डेस्टिनेशन का मजा जर्नी में है, isn't it? So let's go. Well, तो आज का हमारा सबसे पहला स्टॉप है वसाई फोर्ट इन वसाई। Interestingly, Vasai Fort used to be the headquarters of the Portuguese in the 16th and the 17th centuries. In fact, ek time par to this was a living city and a city that was larger and far more important than even Mumbai. उस टाइम पोर्चुगीज वसाई को एज कमर्शियल और मिलिट्री बेस भी यूज करते थे एंड फॉर देम इट वाज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन आफ्टर गोवा। द स्प्रॉलिंग फोर्ट विद इट्स इनडोमिटेबल स्टोन वॉल एंड 11 बास्टियंस कवर्स नियरली 110 एकर्स। 110 एकर्स मतलब एज बिग एज वैटिकन सिटी। लेटर द मराठास टुक पोजिशन ऑफ वसाई इन 1739। चाहे ये फोर्ट का स्प्लेंडर वैसे नहीं हो जैसे सेंचुरीज पहले हुआ करता था, पर आज भी कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं टू अंडरस्टैंड द रिच हिस्ट्री ऑफ पोर्चुगीज, मराठास एंड ब्रिटिश। Because it's so close to the sea, it's known to serve the best seafood. In fact, इसे the best cold storage भी बुलाया जाता है। और यही का seafood sample करने के लिए, I am going to one of the best restaurants here, which is Kinara Hotel. किनारा एक 32 साल पुराना रेस्टोरेंट है, लोकेटेड एट द फिशरमैन्स विलेज कॉल्ड पच्चू बंदर इन वसाई। उनके सारे मसाले होममेड है जिनको बनाती है यहाँ की ओनर रिक्सन तपेली की माँ। Well, whoever said Vasai serves the best seafood was absolutely right. I have some amazing delicacies right in front of me. So this is the pomfret tandoori in white sauce. This is the surmai fry. This is bombil fry. This is prawns tawa fry. Wow, these amazing delicacies. My mouth is watering already. And with that great view, I'm sure I'm going to love all of this. छोटी वाटरफॉल की तरफ, ये भी हमारे रास्ते में ही आता है। सुना है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वाटरफॉल्स इन महाराष्ट्र। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन maharashtratourism.gov.in। देयर आर बेसिकली टू जंगल पाथवेज दैट कन्वर्ज राइट नियर द वाटरफॉल। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जंगल पाथवेज ये वाटरफॉल की साउंड इस ट्रैक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। बट मेक श्योर यू हैव अ गाइड विद यू, बिकॉज यहाँ के रास्ते काफी कंफ्यूजिंग। Thank you.
जर्नी के बाद फाइनली इन पालगढ़। दिस इज द दहानू बीच विच इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल सनसेट। अब चाहे तो मैं यहाँ से अपने होटल में चेक इन कर सकती थी, बट आई हैव हर्ड दैट यहाँ का सनसेट इज ट्रूली मैजिकल एंड हिप्नोटाइजिंग एंड आई डिडंट वांट टू मिस इट फॉर एनीथिंग। वेलकम टू पालगढ़। Going to be my home in Palghar. I'm staying at Treat Beach Resort and Spa in Golwar, very close to Bordi Beach. So this resort offers the best of sea, sun and sand in Maharashtra. But it's not just about stunning views. They also have a great spa and amazing dining options. And guess what? Tonight there is a special tribal dance performance that they've organized for me. I am pretty excited and looking forward to it. This tribal dance, which is native to Palghar, is also called Tarpa dance, where one dancer with the stick controls the movement of the dance. I had lots of fun joining in. Good morning from Palghar. Well, it's my day two here and I'm very excited to explore this quaint little town. कल रात का अमेजिंग ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड टू नो हाउ द ट्राइबल्स ऑफ पालघर रियली लिव। एंड आई हैव हर्ड कि ये बहुत ही खूबसूरत वारली पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड फेस मास्क पेंटिंग करते हैं। सो लेट्स गो एंड गेट अ ग्लिम्स इनटू द ट्राइबल लाइफ ऑफ पालघर। वारली पेंटिंग का सफेद पेंट ओरिजिनली राइस से बनाया जाता है, पर उस पर चीटियां आने के कारण अब वारली पेंटर्स व्हाइट फैब्रिक कलर का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू संतोष, वारली पेंटिंग के कैनवासेस को मिट्टी से कवर किया जाता है और शादी या कोई सोशल गैदरिंग्स के समय वारली पेंटिंग दीवार पर गोबर के लेप पे यूज किया जाता है। वेल, आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट वारली पेंटिंग। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दी ओनली शेप्स दे यूज टू मेक दिस इज ट्रायंगल, राउंड और अ लाइन। सो दहानू तालुका इज एक्चुअली अ ट्राइबल रीजन। यहाँ सिर्फ आदिवासी रहते थे और अब भी रहते हैं। जब उन्हें बात करना नहीं आता था, ये पेंटिंग उनका जरिया था टू कम्युनिकेट अ मैसेज। एंड एज यू कैन सी थ्रू एवरी पेंटिंग दे टेल अ स्टोरी। यहाँ पे जैसे एक हट बना हुआ है, झूला है, एक मदर है, झूले में एक बच्चा है, बाहर हैन है और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है एंड देयर इज समबडी हु इज डांसिंग हियर। एंड एज यू कैन सी राइट देयर इन द पेंटिंग बिहाइंड मी मेड बाय दिस ब्यूटीफुल फैमिली, ये पूरा उन्होंने गांव में क्या क्या हो रहा है हैज बीन एस्टैब्लिश्ड वेरी ब्यूटीफुली। और ये सारी स्टोरी मुझे बता रहे हैं संतोष, हु इज बीन डूइंग वाली पेंटिंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। मैंने ठीक बनाया है, ये थोड़ा सा कलर किया जो नागपुर का संतरा, किन्नौर के एप्पल और दहानू के चीकू। अगर आप दहानू आए और आपने यहाँ चीकू नहीं ट्राई किए तो आपका ट्रिप डेफिनेटली इनकम्प्लीट है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोकल्स कहते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट लोकल्स, इवन द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज दहानू एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर चीकूज। तो मैं आई हूँ एट गोल्ड ऑर्चर्ड, अ चीकू फार्म वेरी क्लोज टू द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ चीकूज फ्रॉम फार्मिंग टू प्रोडक्शन एंड टू प्रोसेसिंग। गोल्ड ऑर्चर्ड फार्म इज अ 70-year-old फार्म और अपने ड्राई चीकू, चीकू चिप्स और चीकू अचार के लिए जाना जाता है। अ लॉट ऑफ द फार्म ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय वुमेन। वेल, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, यू हैव अ चीकू वर्जन ऑफ इट, बी इट अ चीकू पाउडर, चीकू चिप्स, देयर इज चीकू अचार, देयर इज आल्सो चीकू चॉकलेट।
यहाँ के चीकू आर नॉट जस्ट फ्रेश स्वीट एंड जूसी बट ऑल्सो हैव टन्स ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू. चीकू इज रिच इन विटामिन ए सी एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड पोटेशियम. सो डोंट स्किप अ बोल ऑफ चीकू एस्पेशली इफ यू आर इन द हनी. Now to spending my evening in serenity, I have come to this very unexplored beach named Chikla Beach in Dahanu. ये Dahanu Bodi Road की side में ही है and the view on our drive is beautiful. As I said, it's a hidden gem और इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं. Therefore, this is a perfect place for me to spend some me time. This beach is just 20 minutes away from Kolwad where I am staying and I absolutely love the view here. यहाँ आसपास काफी ट्रीज भी है which give it a mystical feel. Well, I didn't think I would have so much fun closer to home. So all you beach lovers, Chiku lovers and culture lovers, Dahanu and Palghar is truly a great destination for all you guys in Maharashtra. I hope you enjoyed watching this video. Remember to follow Maharashtra Tourism and Curly Tales on all social media platforms. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off.